नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, मेरे चैनल क्रॉच एंड ग्राम में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप नए नए डिजाइन देखेंगे, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आज मैं आप ये लेकर आई हूँ हेयर बैंड। मैंने वो बनाई थी कल अपनी पिछली वीडियो में। अब ये इसको मैं हेयर बैंड पर लगाऊंगी, तो मैं हेयर बैंड बनाती हूँ आज। कोई भी कलर ले लेंगे आप, पिंक ले लो, मल्टी कलर ले लो, कोई भी ले लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 मैंने लिए हैं। चैन और ले रिंग बना दिया है पहली में से निकाल के, फिर 1, 2, 3, 4 मैंने 4 चैन लिए हैं। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने 5 एक साथ लेके, और ये मैंने पफ बना दिया है। फिर मैं 3 चैन लूंगी इसी में से दोबारा, 1, 2, 3, 4, 5 फिर मैं लूप बना दूंगी। ये देखिए, ये मेरा इस तरह से आएगा। फिर 4 चैन लूंगी फिर इसी में से, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये मैं लूप बना लूंगी, ये देखिए। फिर एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5 ये देखिए, ये मेरा इस तरह से ये बनता जाएगा पूरा। और मेरे को जहाँ तक जितनी लंबी हेयर बैंड की लेंथ रखनी है, मैं उतना इसको बना लूँगी, फिर उसके आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी लेंथ ये हो गई है बच्चों के हिसाब से। अब मैं नीचे ये रबर डालूंगी, क्योंकि मैं डोरी नहीं बनाऊंगी। डोरी बच्चे खोल देते हैं और फेंक देते हैं हेयर बैंड उतार के सुहा। तो मैं रबर लूंगी, कोई भी कलर की आप रबर ले लेंगे, और इसको पूरे पे, अगर आप सेम कलर लेते हो तब भी, आप अलग कलर लेते हो तब भी, ये आप इसको पूरी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये रबड़ तो नीचे ही आ जानी है, लेकिन ये अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैं लूँगी, और यहाँ पे यहाँ तक मैं आपको ला के बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं जोड़ूंगी कैसे, यहाँ तक मैं बताती हूँ आके। ये देखिए, यहाँ तक ये रबड़ आ गई है। आप रबड़ ना स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, आप यहीं से बना के, आप जैसे मैंने यहाँ पे चैन ली थी, आप चैन नहीं बना के इसी पे डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। लेकिन मैंने रबड़ ली नहीं थी उस समय, तो मैं ये अब लेके लास्ट में लगा रही हूँ। और लास्ट में भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी जैसे मैं शुरू में लगाती। ये देखिए, ये यहाँ पर लेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट हो गया, देखो इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। और ये स्ट्रेचेबल है, छोटे बड़े सब पे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये मैं इस तरह से इसको, ये राउंड है, ये यहाँ पे ले लूंगी। ये देखिए, एक और इसमें ले लूंगी, ये मेरे यहाँ पे 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये 15 लिए हैं, और 15 ही मैं यहाँ पर लूंगी। अब मैं यहाँ पे लाके आपको दिखाती हूँ क्या करना है मुझे। ये देखिए मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। अब मैं ज्वाइंट कैसे करूँगी, यहीं पर भी
इसी तरह से लूंगी जिसे मैंने यहाँ पर लिया था, ये देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर लूंगी, क्योंकि बच्चे हेयरबैंड बहुत जल्दी उतार देते हैं और डोरी होगी तो उतार उतार के फेंकेंगे, उससे बढ़िया है हम ऐसे काम करते हैं पक्का, ताकि बच्चे उतार ही ना सकें। ये लो, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको कर दिया ताकि ये अगर हमें इधर बो लगानी है तो हम बो भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा बड़ा भी हो जाएगा छोटा भी हो जाएगा। अब मैं इसको यहीं पर ही पूरे धागे को अंदर ले जाऊंगी, स्लिप होता है धागा, ये देखिए ये मैंने बाकी सब कट कर दिया। अब ये देखिए ये मेरा इस तरह से आएगा कुछ, ये मेरा बनके तैयार हो गया है, ये इस तरह से बना है। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर बो लगा दूंगी ताकि ये छुप भी जाए रबर और हमारा हेयर बैंड अच्छा भी लगे। ये देखिए इस तरह से मैं सुई से, आप इसको चिपका भी सकते हैं लेकिन मैं इसको सुई से लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से इसको मैं पक्का कर लूंगी। पक्का करने से क्या होगा, ग्लू से हमारा ये हट जाता है, ये पक्का करने से नहीं हटेगा। थोड़ी ये सुई मोटी होती है तो थोड़ा, ये देखिए ये मुझे इस तरह से, और बाद में मैं इस पर ग्लू लगा दूंगी। देखिए थोड़ा ये मैं इसको अंदर ही सारा धागा ले जाऊंगी और जहां पर भी ले जाऊंगी, ये देखिए अब मैं यहाँ पे इसको कट कर लूंगी। ये देखिए मेरा हेयर बैंड बनके तैयार है। अब आप बताइए आपको ये कैसा लगा है। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए ये आपको कैसा लगा है। और जो भी मेरे नए दर्शक हैं ऐसी नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।